हेलो, सूरज, क्या हुआ? विदाई होने वाले दुल्हन की तरह क्यों रो रहा है? मुझे माफ कर दे दोस्त। तूने ठीक ही कहा था, नारी की महिमा अक्रम पार। नारियां जिंदगी आबाद करती है या तो बर्बाद। और मैं उस दिन एक सेल्फिश इंसान की तरह एक साधारण लड़की के लिए अपने दोस्त को बुलाने चला था। अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है मेरे दोस्त। रामायण महाभारत छोड़, असल में क्या हुआ वो बता। निशा मैम ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया यार। उन्हें तो मैंने बेइंतहा प्यार किया था ना, लेकिन उनका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। क्यों प्यार में लोग ठोकरे खाते हैं और एक सच्चा प्यार क्यों हमेशा नाकाम होता है? मैं एकदम से कहीं भटक सा गया हूँ यार। काम पे भी मन नहीं लगता, जब देखो निशा मैम की यादों में खोया रहता हूँ। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, खत्म हो गई है मेरी जिंदगी, सब खत्म हो गया, सब कुछ। हाँ, यही समझने में तुझे इतना वक्त लग गया। तेरे को मैंने समझाया था, लेकिन नहीं, कहाँ मेरा बात सुनेगा तू। खैर, आज तेरी आंखें खुली है, ये बात मुझे अच्छा लगा। रुक रुक, छोटे बच्चे की तरह सिर्फ रोता ही रहेगा क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं हूं ना। अच्छा चल, ये बता, तेरा ऑफिस कैसा चल रहा है? ऑफिस में भी गाइस धीरे धीरे कम हो गए। मैं कुछ नहीं कर सका, अब बस कुछ गाइस ही बचे हैं। देख दोस्त, तू तो जानता ही है, अगर हम कंपनी में काम नहीं करेंगे तो कंपनी हमें सैलरी कहां से देगी? तू तो जानता ही है, प्रोडक्शन करेगा तभी कलेक्शन होगा, और कलेक्शन बढ़ाने के लिए मैन पावर की जरूरत होगी। सुन, तू अगर मुझे अपना दोस्त मानता है तो मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। हाँ बोलना, क्या उपाय है? समय और आंधी किसी के लिए नहीं रुकते, इसलिए समय का काम समय पे करना चाहिए। तू एक एडवर्टाइजमेंट दे और कुछ गाइस हायर कर ले। मैं तुझे दो फोन नंबर देता हूँ, उन नंबर पे कॉल करके वो दोनों लोगों को काम पे ज्वाइन करवा लेना। अपना काम कर और उन लोगों को भी सिखा। आज का वक्त कल फिर वापस नहीं आएगा। तुझे मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरे हर मुसीबत में साथ रहूंगा, पर तुझे पहले की तरह मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। और रही बात निशा की, मैं तेरे लिए वो सारी कोशिशें करूंगा जो मेरे बस में है, लेकिन तुझे अभी अच्छे से काम करना होगा। ठीक है दोस्त, तेरी बातें अगर मैंने पहले ही सुन लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज मैं खुश हूँ। मैं भी तुझे एक वादा करता हूँ, अगले एक साल में कंपनी में फ्लाइंग मैनेजर का प्रमोशन लेके रहूंगा, फिर दिखाऊंगा निशा को उसकी औकात। वेरी गुड माई फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। एक काम कर, तू मुझे अपना गूगल पे वाला नंबर दे, मैं तुझे कुछ देता हूँ। वापिस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना कि दोस्ती के हैसियत दोस्त को मुसीबत के वक्त मदद किया है। ठीक है, आज मेरा मन थोड़ा हल्का लग रहा है। तेरे बातों ने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को फिर वापस लेके आया है। थैंक यू माय बेस्ट फ्रेंड। ऑलवेज वेलकम। ठीक है, अभी मैं रखता हूँ। बाय।